आपको जो कुछ भी वहां पे दिखता है वो सारी चीजें किसी टेक्निकल स्टैंडर्ड से बना के वहां पे लोग पहुंचते हैं। सर ये सोच को थोड़ा सा दूर रखिएगा। रीजन बीइंग सर, जब हम ये सोच लेंगे ना कि गूगल को टेक्निकल स्टैंडर्ड से हम समझाएंगे कि हम क्या है, वहीं पे सर हम मात खाते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम है। सर गूगल क्या चाहता है, सर अगर आप गूगल के ओनर हो, उमेश जी फॉर एग्जाम्पल आप गूगल के ओनर हो और कोई भी ऐसी फर्जी बिजनेस चला रहा है तो आप चलने दोगे क्या? सर आपको अपनी स्टेबिलिटी और अपना स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सर अगर कस्टमर सर्च करने वाले नहीं होंगे तो ऐड चलाने वाले कहां से आएंगे? तो इसीलिए आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रोटोकॉल्स आपने बनाए हैं, और वो प्रोटोकॉल्स हैं जो आज सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे वो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं जिसपे गूगल को लगता है कि आप अच्छे या खराब हैं। इसके लिए कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड या फिर कोई टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि गूगल हमें देखता कैसे है। जैसे आज मैं और आप हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आपस में, वैसे ही गूगल की कोई लैंग्वेज होगी ना और हमारी वेबसाइट की कोई लैंग्वेज होगी ना, ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगी? प्रॉब्लम तभी आती है जब ये दोनों आपस में बात ही नहीं कर पाते। बहुत लोगों की बहुत ब्रिलियंट वेबसाइट होती है, बहुत सुंदर वेबसाइट, बहुत ही क्रिएटिव वेबसाइट, बट वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते गूगल के आगे। अब बात करते हैं कि जब आप गूगल में कुछ लिखते हैं, गूगल में जब भी आप कुछ लिखते हैं ना, उसको टेक्निकली हम बोलते हैं कीवर्ड। आप लोगों ने गूगल का एक सर्च देखा होगा, उस सर्च के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। उस टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिखते हो, वॉट एवर यू राइट इन सर्च इंजन, दैट इज टेक्निकली नोन एज कीवर्ड। अब ये कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल होटेल्स इन दिल्ली, या फिर हो सकता है होटेल्स इन लखनऊ, या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन लखनऊ, बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कानपुर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वेबसाइट को या अपने कंटेंट को टॉप रिजल्ट्स पे लेके आना है। तरीके क्या क्या होते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं कि सर कैसे कैसे हम समझते हैं कि गूगल क्या चीज है। मैं सिंपल गूगल के ऊपर जाता हूं यहां पे अभी, और मैं यहां पे डालता हूं बेस्ट एडवोकेट इन दिल्ली। चलिए ठीक है। अब सर यहां पे आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक एड चलता हुआ दिख रहा है। मैंने कैसे पहचाना कि एक एड है? जिस भी कंटेंट के बगल में ये छोटा सा एडी लिखा हुआ हो ना, जिस भी कंटेंट के बगल में छोटा सा अगर ये एडी लिखा हुआ, ये जो छोटी चीज आप देख रहे हैं, अगर ये चीज आपको लिखी हुई दिखे ना, सबको क्लियर हो रहा है स्क्रीन? यस सर। ये जो अगर एडी लिखा हुआ देखे तो सोचें कि ये एक पेड एड है, उसी टाइम समझ जाए ये एक पेड एड है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके नीचे ये आता है लोकल बिजनेस मैप, इसको हम कहते हैं लोकल बिजनेस मैप। ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये इसको हम कहते हैं लोकल बिजनेस मैप। क्या बोलते हो उमेश जी? लोकल बिजनेस मैप। बहुत बढ़िया सर। लोकल बिजनेस मैप के नीचे जो लोग होते हैं, इसके नीचे जो कंटेंट होता है, इस कंटेंट को हम कहते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग। यहां 9 लोग होते हैं सिर्फ, 9 पीपल, 9 लोग होते हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग। आजकल हम ऑर्गेनिक दालें खाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं, इसका मतलब बिना मिलावट के। तो गूगल ये कहता है कि हम टॉप में तो एड दिखा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नीचे आ रहे हैं ना एड के नीचे, इसके लिए हम किसी से पैसा नहीं ले रहे। तो पंकज जी यहां पर जितने लोग भी आप दिख रहे हैं नीचे जिन पे एड का साइन नहीं लगा हुआ है, उन सबको ऑर्गेनिक रैंकिंग की वजह से गूगल रेट कर रहा है, और गूगल को लग रहा है कि ये जो कीवर्ड हमने लिखा है, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली ये बेस्ट रिजल्ट है। अब हमें बस यही समझना है कि गूगल की नजर में हम बेस्ट कैसे साबित हो जाए। ठीक है उमेश जी, क्लियर है यहां तक? सर थोड़ा नीचे करोगे स्क्रीन को आप? जी बिल्कुल सर जी। ये देखिए यहाँ पर एक ऐड लिखा हुआ है बीच में,
उमेश जी थोड़ा सा अपनी थोड़ा सा वॉइस को या तो लैपटॉप के पास आ जाइए थोड़ा सा। ओके सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जी जी ये देखिए नीचे के दो तीन में ऐड लगे हुए जी बिल्कुल सर। ये नीचे क्यों सर, आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो नीचे ऐड लिखे हुए हैं नीचे क्यों आ रहे हैं ऐसा? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐड तो शायद ऊपर आने चाहिए ना, जब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सर। गूगल के स्क्रीन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, किसी भी स्क्रीन को जो सर्च इंजन का स्क्रीन है उसको आराम से समझिए तो आपको समझ आएगा कैसे इसका पूरा प्लेटफॉर्म चलता है। ये एक स्क्रीन है गूगल की, इस स्क्रीन पे यहाँ पे जो गूगल ने पोजीशन डिसाइड कर रखी है, मैं जब गूगल बोल रहा हूं तो इसका मतलब है सारे सर्च इंजन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे तीन लिस्टिंग आती है जिसको एड की जगह दी जाती है, ये गूगल ने डिसाइड कर रखा है। जैसे आप एक मकान बनाते हैं, मकान के अंदर घुसते ही आपका ड्राइंग रूम होता है, आपका बेडरूम होता है, ऐसे ही गूगल ने अपने सर्च इंजन को डिजाइन किया हुआ है। सबसे ऊपर तीन लोग होंगे जो लिस्टिंग होगी जिनकी, जिसको दे दिया गया। अगर आप गूगल को पैसा देंगे तो आप यहाँ पे टॉप रिजल्ट में आ जाएंगे। इसके नीचे सर, इसके नीचे लोकल बिजनेस मैप विंडो दिखाई देगा। अब ये विंडो कब कब दिखाई देगा इसकी भी हम बात करेंगे। नहीं, इसके नीचे हमारे पास जो लोग भी होंगे उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक रैंकिंग। और इसके नीचे अगर ये कीवर्ड बहुत ज्यादा लोग एड्स के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे बहुत हाई हिटिंग कीवर्ड है, ये लोगों को लगता है कि इस कीवर्ड पे अगर मैं अपना एड चलाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, उसको हम कहते हैं हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स। तो अगर ये हाई ट्रैफिक कीवर्ड है तो गूगल पैसा कमाने सर, हर किसी, एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड द मनी, सो गूगल भी पैसा कमाने के लिए नीचे भी एड दिखा देता है। और नीचे कौन से लोग रहते हैं जिनकी बिडिंग कम रहती है, मतलब जो कम पैसा दे रहे हैं, सबसे टॉप में वही रहेगा जो सबसे ज्यादा पैसा देगा, है ना। इसके पीछे भी एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है जिसपे हम बाद में बात करेंगे, इस टॉपिक को अभी नहीं छेड़ते हैं। मतलब ऑर्गेनिक वाले हमें देखने हो तो हम सेकंड पेज पे देख सकते हैं? नहीं सर, आप फर्स्ट पेज से कहीं और सर आप जीवन में कभी नहीं जाएंगे, ना आप कभी गए होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक वाले आपको सेकंड पेज पे नहीं सेम पेज पे दिखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर है वो एड होगा। ऐसे भी कीवर्ड मार्केट में होते हैं, जैसे आपने देखा कि सेम पेज पे नीचे एड्स चल रहे हैं, ऊपर एड्स चल रहे हैं, बीच में भी जो दो तीन वेबसाइट्स हैं वो सुलेखा या कोई ऐसी वेबसाइट है, अगर डायरेक्ट किसी वेबसाइट को देखना है जिसकी किसी की खुद की वेबसाइट हो तो वो हमें इसमें नहीं दिखेगी, तो वो तो मेरे हिसाब से सेकंड पेज पे ही जाएगी। चलिए आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है पंकज जी। पंकज जी, आपने अपनी लाइफ में कितनी बार जब आपके पास टाइम नहीं हो आपने कोई चीज ढूंढी और सेकंड पेज पे जाके आपने क्लिक किया है? सर मैं गया तो आज तक नहीं हूँ, पर नहीं अभी जैसे अभी बात चल रही है ना एड की तो चलिए सर सेकंड पेज पे चलते हैं सर। देखिए सर, यहाँ पे भी एड चल रहा है। सर इसका मतलब ये है कि गूगल ने जो पेज डिजाइन किया हुआ है ना, उस पेज में गूगल ने इस ऊपर वाले प्लेस को एड के लिए ही छोड़ दिया है। जो ऑर्गेनिक लोग होंगे वो आपको बीच में ही दिखेंगे। यहाँ तो मेरे हिसाब से भारत में इतना वो ट्रेंड आया ही नहीं है कि हर एडवोकेट अपनी अपनी वेबसाइट बनाए। सर ट्रेंड तो देखिए सर, जैसे जितना ज्यादा आप इसी अब आएगा धीरे धीरे सर, आएगा नहीं आ चुका है और बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट बना के बैठे हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता कि सर प्रमोशन कैसे होना है। तो जितनी जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कोई वकील है, उस वकील के पास सर जैसे अब मान लीजिए सर लखनऊ से गैलेक्सी A7 सर, आपका शुभ नाम क्या है सर, मैं नाम भूल गया सर आपका, सर गैलेक्सी A7 सर आपका शुभ नाम क्या था सर? सर अंकुर वर्मा सर। अंकुर, लेट सपोज अंकुर जी लखनऊ में बड़े सर, लखनऊ और कानपुर में बहुत गली गली में सर एडवोकेट्स है ना, लफड़े बड़े होते हैं सर वहां, तो सर वहां गली गली में एडवोकेट्स हैं, तो मान लीजिए अंकुर जी किसी एडवोकेट के पास पहुंच गए, बोल रहे हैं 3,000 रुपए दे दो मैं आपकी वेबसाइट बना देता हूं। अब एडवोकेट को तो सर अगर कस्टमर आ रहे हैं तो क्यों नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है कि एडवोकेट अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, हम जैसे लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं तो उनको समझ आ रहा है कि भैया इसके बिना दुनिया नहीं है। जैसे आज से पहले डॉक्टर्स जो थे ना, डॉक्टर्स आज से पहले सर क्या होता था, हमारी जनरेशन से पहले हम लोग अपने फादर मदर से डिस्कस करते थे और वो जाके अपने किसी रिलेटिव से बात करते थे या फिर अपने
किसी जानने वाले से कॉल करते थे, भैया कोई अच्छा डॉक्टर है बता दो, लेकिन आज हमारी डिपेंडेंसी प्रैक्टो पे हो चुकी है और गूगल पे हो चुकी है। हम कोई भी जुकाम भी होता है डॉक्टर ढूंढना है गूगल पे जाके ढूंढ लेते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी है ना, कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी होता है ना सर। तो सर ये डिपेंडेंसी की बात है कहीं ना कहीं, और लोगों को पता कैसे नहीं चलेगा सर, जब सर एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड द मनी, जब ग्राहक की बात आती है ना, ग्राहक आएगा कहां से, तो ये है ग्राहक पकड़ना। तो हर कोई आएगा, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टमाटर बेचने वाला हो, चाहे वो चश्मा बेचने वाला हो, एवरीबॉडी विल बी ऑनलाइन। ठीक है, यस सर। सर ये बताइए जी, सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरी अभी एडेंसी है सर, अभी मेरा सर प्रिंटिंग का भी बहुत चलता है, अच्छा चलता है, मतलब कि सर एक्चुअली सर क्या है कि मतलब कि जो जो सेकंड पर्सन जो होते हैं वो लोग अभी मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं सर, ठीक है सर, लखनऊ में श्री साई डिजिटल सॉल्यूशंस को, मैं हजरतगंज से बोल रहा हूँ, लखनऊ से सर, ठीक है सर, तो बहुत अच्छे से जानते हैं। बट सर मैं ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर टेंडर हो गया, जेम का होता है, जेम पोर्ट होता है सर, तो मुझे वो सब मतलब कि करना है। फिर प्लस सर फेसबुक पे एड्स वगैरह मैं बनाता हूँ अपने, तो एक्चुअली सर मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर था पहले, आई एम मैक एनिमेशंस जी, यस सर मैक। एंड सर आप अरीना को भी शायद जो उनके एमडी हैं, शायद ऑनर हैं, शायद आप उनको शायद मोटिवेट करते हैं सर। शायद सर अरीना की एमडी सर यहाँ पे हमारे स्टूडेंट थे। ओके ओके, यस सर, आई नो सर, वो उपेंद्र सर ने मेरे को बताया था, आपने वीडियोस में देखा होगा सर उनको, वो हमारे yes, sir, yes, sir, yes, sir. सर देखिए हर एंटरप्रेन्योर पढ़ना चाह रहा है, समझना चाह रहा है कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और आप जैसे लोग कहीं ना कहीं सर अच्छा मान लेते हैं हमें, तो चल रहा है सर। चलिए आगे चलते हैं सर, मैं बिल्कुल सर समझ रहा हूँ आप किस पैटर्न पे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा सर। अभी आगे अभी बहुत ये कहानी है, पूरी झांकी बाकी है सर। चलिए इसमें चलते हैं सर आगे, और चलते हैं इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पे जब मैंने ये डाला ना, तो मेरे को लोकल बिजनेस मैप दिख रहा है, बट उमेश जी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस टाइप ऑफ कीवर्ड को हम कहते हैं लोकेशनल कीवर्ड, मतलब मैंने लगाया इन दिल्ली, तो ये हो गया लोकेशनल कीवर्ड। इसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, और अगर मैं बेस्ट एडवोकेट डाल दूं तो यहाँ पे मेरे को कोई लोकल बिजनेस मैप नहीं दिखेगा। मेरे पंकज जी, हाँ सर, हमें लोकल बिजनेस मैप सिर्फ लोकेशनल कीवर्ड पे दिखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, पंकज जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उमेश जी ध्यान दीजिए, जितने लोग भी सेशन में ध्यान दीजिए, और सर आप अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाना चाहते हैं कानपुर में, बहुत जरूरी से ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का कीवर्ड। ये क्या हो गया, लोकेशनल कीवर्ड हो गया। जैसे ही मैंने डाला बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कानपुर, ठीक है पंकज जी, क्या सोचते हैं ये अच्छा कीवर्ड होगा, लोग टाइप करेंगे। बहुत आ रहा है, किसका, किसी एक का माइक म्यूट करवाई है, मेरे ख्याल से इशू कानपुर से था सर, मैंने थोड़ा सा उनको म्यूट कर दिया सर, अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, आपकी बैकग्राउंड नॉइज काफी ज्यादा आ रही है। पंकज जी क्या ये कीवर्ड है, बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कानपुर जी, ये तो आपका लोकेशनल कीवर्ड होगा, जैसे आप सोचेंगे कि अगर मैं ये टाइप करूं तो लोग मेरे को ग्राहक मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे सर, इसको लिए केवल कानपुर वाले ही मिलेंगे, या जिसको कानपुर में कुछ एडवर्टाइजिंग करनी है वो इस कीवर्ड को सर्च करेगा, मैं तो नहीं सर्च करूंगा, मेरे को क्या काम कानपुर में। बहुत बढ़िया सर, तो लोकेशनल कीवर्ड सिर्फ वहीं पे आएगा, वहीं पे उसकी डिमांड होगी जब आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं। और अगर नेशनल कीवर्ड की बात करें तो वो नेशनल कीवर्ड होंगे कुछ इस तरीके से, लेकिन अब जब मैंने यहां पे इन कानपुर हटा दिया, फिर भी सर मुझे लोकल बिजनेस मैप दिख रहा है। उमेश जी दिमाग लगा सकते हैं सर, क्यों दिख रहा है अभी भी मुझे, पंकज जी? क्योंकि सर गूगल अपनी लोकेशन ट्रैक कर लेता है, अपने सब अलाउ एक्सेस जो हम एंड्रॉइड फोनों में दबाते हैं
तो गूगल सब पकड़ लेता है कि कहाँ पे है और उस हिसाब से वो हमारे आसपास की बताता है, तभी तो हम गूगल के लिए इतना डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर देखिए, आप कोई भी कीवर्ड गूगल पे टाइप करें, याद रखें अगर आपका कोई ऑफिस है, चार दीवारी है, तो सर जरूरी है आपके लिए लोकल बिजनेस मैप बनाना, सबसे पहला स्टेप है ये, सबसे पहला स्टेप। जब भी कोई भी कीवर्ड डालता है गूगल के ऊपर, तो गूगल सबसे पहले कोशिश करता है कि उस स्टेट से, जिस लोकेशन पे आप खड़े हैं उस टाइम, उस कोऑर्डिनेट से सबसे पहले नियर बाई लोकेशंस में आपको दिखाए। ये क्यों दिखा रहा है गूगल? आपकी कंफर्टेबल जोन के लिए। गूगल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करें। वो आपने यहां पे डाला बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी और गूगल ने उठा के आपको दिखा दिया बॉम्बे की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, लेकिन आप तो चाहते हैं कि यार इंडिविजुअल सामने हो, मैं उससे बात करूं, मेरे को आके मीटिंग करे, मेरे को दिखाए कि क्या करना है और मैं तभी उसको प्रोजेक्ट दूंगा। तो याद रखिएगा, जो लोग लोकेशनल कीवर्ड पे काम कर रहे हैं वो अच्छा बिजनेस निकाल रहे हैं, और इस काम के लिए आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। 5 से 6 दिन के अंदर यू विल बी ऑन द टॉप रिजल्ट्स, अगर तरीके से उस चीज को मेंटेन किया जाए तो। आगे चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में एड्स चलाते होंगे, या कभी आपने सोचा होगा कि आप चलाएंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती है कि लीड्स नहीं आ रही, लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप लोग इसको पहचानिए। सर लेट सपोज मैं फेसबुक यूजर क्यों हूं? मैं फेसबुक यूजर इसीलिए हूं क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को मुझे मेंटेन करना है, और बाकी लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं मेरे को वो देखना है। सिंपल सा लॉजिक है, और मैं जब चाहे उसको देख के अपने आप को वहां से लॉग आउट कर सकता हूं, है ना उमेश जी? सोशल नेटवर्क का यही तो मतलब है। हाँ जी सर। है ना, मैं जब चाहे दूसरे के जीवन में झांक सकता हूं कि वो क्या कर रहा है। हम इसमें ज्यादा खुश नहीं होते हैं कि हमारी प्रोफाइल पे कितनी इमेजेस हैं, हम इसमें ज्यादा खुश होते हैं कि हमारी प्रोफाइल की इमेज के नीचे कमेंट्स और लाइक कितने हैं, है ना? तो जरूरी ये समझना है कि अगर हम अपना एड चलाएं सिर्फ फेसबुक पे या फिर सोशल वेबसाइट्स पे, तो जो बंदा जिस टाइम सर्फ कर रहा है ना वेबसाइट को या फिर उस फेसबुक ऐप को, वो कुछ भी कर रहा होगा। लेट सपोज मैं खाना खा रहा हूं, अचानक से मुझे दिखा बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एड दिख गया फेसबुक पे, क्या मैं उस टाइम उसको क्लिक करूंगा खाना छोड़ के और कॉल करूंगा, हां जी सर मेरी वेबसाइट बना दो? पंकज जी होगा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होगा ना। तो टारगेट ऑडियंस पकड़ना बहुत जरूरी है। एड वहां चलाइए जहां पे आपकी नीड क्रिएट हो रही है। फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म्स एक ब्रांडिंग करने का मेथड है, अपने ब्रांड को प्रमोट करने का मेथड है। लोगों के दिमाग में अपना एड दिखा के बार बार आप ये डालेंगे कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, एक स्टैंडर्ड कंपनी है, लेकिन लीड्स कहां से आएंगी? लीड्स आएंगी जहां वो बंदा, जब मेरे को जरूरत है बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी की या फिर मुझे जरूरत है अपनी वेबसाइट बनाने की, तो मैं किसी भी सर्च इंजन पे जाऊंगा और वहां टाइप करूंगा क्या, एडवर्टाइजिंग एजेंसी नियर मी, या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन दिल्ली, या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कानपुर, और जो भी मुझे टॉप में दिखेगा मैं उस पर क्लिक करके उसको कॉल कर लूंगा। जो बंदा फेसबुक में एड चला रहा है वो चलाता ही रह गया, यहां से लीड खत्म भी हो गई। जरूरी यह है कि टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, जब जो कस्टमर आपको ढूंढ रहा है ना उसी टाइम उसको पिच करना बहुत जरूरी है, वरना आप बाद में दिखे तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होता, लोग आपको देख के आपको एक ब्रांड मानेंगे, काम खत्म। लेकिन सर हमारी पॉकेट में पैसा नहीं है ना, धंधा चलाने के लिए हमें यह समझना है कि टारगेट ऑडियंस पे कैसे रोटेट करना है अपने आप को। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एड्स पे, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, अमेज़न पे आप जाते हैं, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को या तो मान लीजिए चेकआउट पेज पे गए और प्रोडक्ट को आप इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि आपके पॉकेट में पैसे नहीं थे, आपके कार्ड में पैसे नहीं थे, लेकिन वही प्रोडक्ट आपको बार बार इंटरनेट पे हर जगह दिखता रहता है, होता है उमेश जी? है ना पंकज जी, फील किया कभी ये? बार बार वही प्रोडक्ट आपको बार बार दिखता रहता है हर जगह, है ना सर? इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं रीमार्केटिंग।
सोशल नेटवर्क यहां पे बहुत अच्छा काम देगा। तो हमें चॉइस करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा कि कैसे अपने बिजनेस आइडिया को या फिर अपनी प्रोफाइल को लोगों तक दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस फेसबुक का एड चला दिया और कस्टमर आ जाएंगे, ट्विटर का एड चला दिया कस्टमर आ जाएंगे, यूट्यूब का एड चला दिया कस्टमर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। हर जगह को तरीके से समझिए। आते हैं सर, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का बेस स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाए। अब वो ऑनलाइन प्रोफाइल बनती कैसे है, क्या उसमें किसी टेक्निकल स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है? आप सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे इस चीज पे कि एक वेबसाइट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक टेक्निकल स्किल लगती है। मेरे पास तो है नहीं, मैं बनाऊं कैसे? तो डिजिटल मार्केटिंग करने में तो पैसा लगेगा, बिना बात के वेबसाइट डेवलपर हायर करूंगा, 20,000 रुपए उसको दूंगा, फिर डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, इससे बढ़िया यार परेशान हो छोड़ो यार, करना ही नहीं काम। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट विद मिनिमम क्लिक्स यू कैन क्रिएट गुड वेबसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस, जिसमें आपको कोड करने की जरूरत नहीं होती और आप अच्छी डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो, बशर्ते थोड़ा सा उस टूल को आपको समझना पड़ेगा, है ना। जब नया नया कोई मोबाइल लेते हो उमेश जी, तो उसको समझना पड़ता है ना, कहां पे सेटिंग है, कहां पे ऑप्शंस हैं, कहां पे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तभी तो सर उस पर आपका हाथ साफ होता है, तभी तो फट से पॉकेट से फोन निकालते हो और कान पे लगा लेते हो। लेकिन कोई नया मॉडल का फोन लोगे तो पूरी रात उस पर दिमाग लगाते रहते हो ना बैठ के, कहां ऑप्शंस है, बिना बात के टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, कहां ऑप्शंस है। वो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो सर, आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो उस डिवाइस के ऊपर। बस वही काम हमें यहाँ पे समझना है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जी बताएं सर, कुछ पूछ रहे हैं आप? उमेश जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। वर्डप्रेस क्या होता है? सर वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं CMS। ये वर्डप्रेस जैसे आज से अगर 10 साल पीछे जाएं तो सर मार्केट में वेबसाइट डेवलपर्स की बहुत डिमांड थी। इसी से मैं पूछो क्या कर रहा है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, जेटकिन से कोर्स करके आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। तो धीरे धीरे मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ी ना, वैसे वैसे प्रोडक्ट्स भी आए। तो वर्डप्रेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप वेबसाइट बहुत इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ऑफिशियली हम इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट्स ब्लॉगिंग की तरीके से बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, वो सारे लोग वर्डप्रेस का ही यूज करते हैं, जहां आपको कोड करने की जरूरत नहीं, आपको कोई कोडिंग नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ अपना कंटेंट लिखना है, वो सारी चीजें प्री डिफाइंड है, वहां पे ऑटोमेटिकली जाएगा और ऑटोमेटिकली दिख जाएगा वो। ठीक है उमेश जी, क्लियर है अभी? अब चलते हैं सबसे पहले कि एक वेबसाइट को या फिर एक कंपनी को लाइव होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, लाइव मतलब ऑनलाइन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज है डोमेन, दूसरी चीज है होस्टिंग, तीसरी चीज है डिजाइन। अभी डोमेन क्या चीज है? डोमेन है आप किसी दुकान पे एक बोर्ड लगाते हो ना कि मेरी दुकान का नाम ये है, वही है डोमेन। डोमेन कहां से परचेज करना है, कैसे सस्ता परचेज करना है, कैसे आप डोमेन रीसेलर बन सकते हो लाइक गोडैडी, इस पे भी हम बात करेंगे आगे क्लासेस में। सेकंड आते हैं होस्टिंग। होस्टिंग एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपने डिजाइन को डालते हो और पूरी दुनिया उसको देख सकती है। जैसे उमेश जी, अगर मैं इस लैपटॉप में अपनी वेबसाइट बनाऊंगा और बनाने के बाद इस लैपटॉप को मैंने बंद कर दिया, तो क्या पंकज जी दिल्ली से बैठ के मेरी वेबसाइट देख सकते हैं क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो बंद हो गया ना। बंद हो गया जी। तो मेरे को एक ऐसी मशीन चाहिए जो 24/7 लाइव रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी कोई भी एक मशीन को रेंट कर लूंगा जो 24/7 लाइव रहे, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर 10,000 लोग भी उस वेबसाइट में एक बार में आएंगे तो मशीन उसको हैंडल कर पाए, जिसको हम कहते हैं कि मशीन की बैंडविड्थ
वेबसाइट की बैंडविड्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए होस्टिंग की। तो होस्टिंग वो चीज है जहां आप अपने डिजाइन को अपलोड करते हो। मैं अगर एक होस्टिंग खरीदना चाहता हूं तो मैं किसके पास जाऊंगा? बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, GoDaddy है, HostGator है, बहुत सारे लोग हैं जहां से मैं होस्टिंग खरीद सकता हूं। ज्यादा कोई महंगा नहीं होता। आप ये समझिए कि आप होस्टिंग खरीदने का मतलब आप सिंपल ये समझिए कि आप एक कंप्यूटर का एक फोल्डर रेंट पे ले रहे हैं, ठीक है, जहां पे अपने फाइल्स को आप अपलोड करेंगे। अपलोड मतलब अपनी फाइल्स को ऑनलाइन डालेंगे। आगे चलते हैं, तीसरी चीज होगी डिजाइन। मैंने बताया डिजाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई एप्लीकेशन यूज कर लीजिए, अगर आपको HTML लैंग्वेज आती है तो अपनी लैंग्वेज में आप डिजाइन कर लीजिए। अगर आपको वर्डप्रेस अच्छा लगता है तो आप वर्डप्रेस में डिजाइन कर लीजिए। वेबसाइट डिजाइन करने के बाद आप अपलोड कर दीजिए, काम खत्म। तीन चीजें हो गई। अब जब एक वेबसाइट बनती है ना, तो बहुत जरूरी है उस वेबसाइट को ये बताना कि सर्च इंजन से तुम कैसे बात करोगे। भैया स्क्रीन पे देखते हैं और आपको अभी समझ आएगा कि एक सर्च इंजन एक वेबसाइट को कैसे समझता है। मैंने गूगल पे यहां पे डाला होटेल्स इन दिल्ली। चलिए, ये एक बहुत हाई ट्रैफिक कीवर्ड है। उमेश जी, पंकज जी, देखिए ध्यान से, ये एक बहुत हाई हिटिंग कीवर्ड है, तो इस पे एड्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, है ना। बट गूगल ये कभी नहीं करेगा कि पूरे के पूरे पेज पे एड दिखा देगा, क्योंकि उसने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि वो ऑर्गेनिक रैंकिंग जरूर दिखाएगा। क्योंकि गूगल सिंपल कहता है कि ऑर्गेनिक रैंकिंग में वो किसी से पैसे नहीं ले रहा। ये रैंकिंग वो है जो उसको लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और इस कीवर्ड के लिए सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है। वैसे यहां आने के लिए इस कीवर्ड पे अगर मैं चाहता हूं अपने आप को टॉप में रखने के लिए, सिर्फ 15 मिनट में मैं टॉप में बैठ जाऊंगा किसी भी वेबसाइट, किसी भी डोमेन को लेके। चलिए आगे चलते हैं सर। एक वेबसाइट कैसे रीड करती है ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये चीज आई कहां से, गूगल ने इसको रीड कहां से किया, कुछ आइडिया इस बारे में किसी को? उमेश जी, कुछ आइडिया है कि गूगल ने रीड कहां से किया इस चीज को? जी सर, हम जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें जो टॉपिक कंटेंट या फिर थोड़ा सा लाउड हो जाए, आई एम रियली सॉरी सर, लाउड होना पड़ेगा आपको। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, या फिर माइक कनेक्ट कर लीजिए सर, दैट विल बी रियली गुड। सर मुझे लग रहा है कि शायद जब हम वेबसाइट बनाते हैं उसमें जो हमारा टॉपिक कंटेंट या फिर कुछ भी चीज जो हम लिखते हैं वो विजिबल हो, उसके थ्रू ये सब की बात है। चलिए सर, मैं आपकी वॉइस को बहुत साउंड लो है तो मैं समझ नहीं पाया, बट आपके कॉन्फिडेंस को देख के मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने सही जवाब दिया होगा। पंकज जी आप पे आते हैं। पंकज जी, ये चीज कहाँ से आई, कुछ आइडिया है आपको? जो ना अपन वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट का नाम तो लिखेंगे ही लिखेंगे जी, उसके अंदर क्या है वो सारी चीजें लिखते ही लिखते हैं जी, तो वो सारी चीजें लिखते हैं, लेकिन वो लिखने के बाद ये है कि ये गूगल उन सब चीजों को स्कैन कर लेता है कि अच्छा ये होटल है तो होटल वाली वेबसाइट है, तो इस तरीके से ये वहां से ले लेता है। चलिए बहुत बढ़िया है, इनका आंसर बहुत करेक्ट है बट अप टू द मार्क्स नहीं है सर। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूँ तो शायद आप परफेक्शन पे पहुंच जाएंगे। सर होता क्या है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, उस वेबसाइट को गूगल को समझाने के लिए, किसी भी सर्च इंजन को समझाने के लिए कि हाँ, वो आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि गूगल की और इन सब की जो लैंग्वेज है, इन दोनों को आपस में बात कराने के लिए बहुत जरूरी है इस लैंग्वेज में लिखे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ जो लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, मैं इस पेज पे क्लिक कर देता हूँ, एक नए टैब में इसको खोल लेता हूँ, ये खुल गई वेबसाइट। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, होटल्स इन दिल्ली बुक 1889 दिल्ली होटल्स विथ अप टू 50% ऑफ एट द रेट ऑफ 200। ये चीज गूगल ने कहां से उठाई, ध्यान दीजिएगा, इस कोड को देख के घबराइएगा नहीं, ये चीज आपको सेशन में समझाई जाएगी। एंड आई चैलेंज कि जब आप 2 या 3 दिन के सेशन ले लेंगे स्टार्टिंग में, तो इस कोड को देख के कभी भी घबराएंगे नहीं। बहुत ईजी कोड है ये, लेकिन अभी आपको पता नहीं है इसलिए आप लोग देख के इसको फील नहीं करते अच्छा। चलिए यहां देखते हैं सर, टैग होता है टाइटल।
देखिएगा अभी मैं दिखाता हूँ, ये जो भी वेबसाइट है इस वेबसाइट के ऊपर आप जब जाएंगे यहां देखिए ऊपर लिखा हुआ है होटल्स इन दिल्ली। ये जो कोड है ये कोड आप अपनी वेबसाइट में डालते हैं, इनहेरिट करते हैं, आपको ये कोड मैन्युअली लिखना पड़ता है। और वर्डप्रेस आपके लिए ये सब काम बहुत इजी तरीके से ऑटोमेटिकली कर देता है, आपको कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चेंजेस करने है। कैसे करना है सर उस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस चीज को बिल्कुल भी कंफ्यूज लेवल पे मत लेके जाइएगा, बहुत इजी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप हाथ पकड़ा के मैं सिखाने वाला आदमी हूं। यहां आते हैं सर, ये देखिए यहां पे गूगल ने आपको बताया कि एक काम करो अपनी वेबसाइट में सबसे ऊपर, ये गूगल के प्रोटोकॉल्स हैं, सबसे ऊपर अपनी वेबसाइट में ये लिखो कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, क्या दिखाना चाहते हो लोगों को भैया। तो आपने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा गूगल ने उसको टाइटल मान लिया, टेक्निकली इस चीज को हम क्या कहते हैं, टाइटल ऑफ दी वेबसाइट। अगर कोई आपसे बात करे प्रमोशनल बंदा या फिर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, व्हाटएवर इज कमिंग ऑन द टॉप ऑफ द वेबसाइट इन गूगल सर्च दैट इज टेक्निकली नोन एज टाइटल ऑफ द वेबसाइट, उस चीज को हम टाइटल कहते हैं। इसके नीचे ये कुछ दो लाइन लिखी हुई है, ये है डिस्क्रिप्शन, ये भी चीज हमारी वेबसाइट के अंदर ही होती है, ये भी चीज हमारी वेबसाइट के अंदर ही आपको कोड में लिखी जाती है और गूगल इसको ढूंढता है। इसके नीचे ये कुछ आ रहा है, अगर मैं इस पर भी क्लिक करूं ना तो मैं वेबसाइट के कोई इनर पेज पे ही पहुंचूंगा, मतलब ये मेरी वेबसाइट का ही पेज है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे लोग SEO करते हैं, ऑर्गेनिक रैंकिंग में अपने आप को टॉप पोजीशन पे ले जाने के लिए एक टेक्निकल स्टैंडर्ड और एक टेक्निकल प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एग्जांपल देखिएगा और देखिएगा लोग कैसे इसके साथ खेल रहे हैं, और वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बस दिमाग लगा रहे हैं। देखिए गूगल ने क्या किया, गूगल ने आपकी वेबसाइट अच्छी है या नहीं है इसके लिए गूगल ने एक प्रोटोकॉल बनाया कि भैया आपके पास ये चीजें होनी चाहिए तो आप एक अच्छे वेबसाइट वाले माने जाएंगे इस कीवर्ड के लिए। तो अब गूगल को कैसे कंफ्यूज किया इस वेबसाइट ने और क्यों टॉप में बैठा है, मैं रीजन आपको अभी दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए इसने अपने टाइटल में होटल्स इन दिल्ली जो कीवर्ड हमने सर्च किया था वही कीवर्ड डाला। तो गूगल जब इसकी वेबसाइट को गया ना क्रॉल करने, जिसको पंकज जी ने कहा स्कैन कर लिया, इसको टेक्निकली बोलते हैं क्रॉलिंग। क्या बोलते हो उमेश जी, क्रॉलिंग। सर आपका माइक काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं सर कल से ठीक कर लीजिएगा, इसको टेक्निकली बोलते हैं क्रॉलिंग। जब गूगल ने मैं क्रॉल किया तो क्रॉल करने में सबसे पहले उसने देखा कि यार ये बंदा तो बड़ा सही है, जो कीवर्ड ये यहां डाल रहा है वही कीवर्ड इसके डिस्क्रिप्शन में भी है। अब सबसे बड़ा गेम यहां देखिएगा, जब आप वेबसाइट का पेज बनाते हैं ना, कोई एक नया पेज बनाते हैं अपनी वेबसाइट में, तो उस पेज का नाम भी इन्होंने यही डाल दिया। पंकज जी क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो गूगल ने देखा कि यार ये जो कीवर्ड है ना होटल्स इन दिल्ली, ये बार बार इस बंदे की वेबसाइट पर रिपीट हो रहा है। मैं ये जो होटल्स इन दिल्ली है ये है इनका सोर्स कोड, इस वेबसाइट का सोर्स कोड, मतलब इस वेबसाइट का कोड पेज का, मैं यहां पे डालता हूं होटल्स इन दिल्ली। सर टोटल 33 टाइम्स इस कीवर्ड को इस पेज के ऊपर लिखा गया है अलग अलग तरीकों से, टोटल 33 टाइम्स। तो गूगल को ये लगता है यार ये जो कीवर्ड है बार बार इस इंडिविजुअल की वेबसाइट में आ रहा है, बार बार इस कंपनी की वेबसाइट में आ रहा है, इसका मतलब अगर कोई गूगल पे टाइप करे होटल्स इन दिल्ली तो ये सबसे रेलेवेंट आदमी होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही लाइन में आप होटल्स इन दिल्ली 1000 बार लिख दीजिए, है ना उमेश जी, ये भी तो इंडियंस है सर, जुगाड़ हर जगह सोच लेते हैं, है ना, मैंने कहा ना सर इंडियंस है, हर जगह जुगाड़ सोच ही लेते हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में होटल्स इन दिल्ली दिल्ली लिख दीजिए तो गूगल हमें टॉप में डाल देगा। सर गूगल बहुत स्मार्ट हो चुका है,
बहुत जरूरी है उसके प्रोटोकॉल्स को समझना. सो गूगल सबसे पहले ये देखता है कि आपके कोड्स में जो चीजें मैंने आपको दिखाई क्या वो अपडेटेड हैं. अगर अपडेटेड है तो गूगल आपको अच्छा मानता है. चलो जी मैथ्स में 100 नंबर. अब बात आती है साइंस की. हर सब्जेक्ट में आपको अच्छे नंबर चाहिए तभी तो आप मॉनिटर बन पाओगे क्लास का. तो इसीलिए अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर. गूगल दूसरा क्या ढूंढता है. एक टेक्निकल टर्म होता है बाउंस रेट. आज थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होएगा उमेश जी, ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं. हर चीज के बारे में इन डेप्थ आपको प्रॉपरली समझाऊंगा. ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे गूगल सर्च कर रहा है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग हो रही है. है ना, सिर्फ पैसा लगाने से डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती, एक सोच और एक स्ट्रेटेजी चाहिए. चलिए सेकंड चीज जो गूगल देखता है टेक्निकली उस चीज को हम कहते हैं बाउंस रेट. बाउंस रेट, बाउंस रेट का मतलब अगर आपके इंडिविजुअल कोई आपकी वेबसाइट पे आया और 3 सेकंड या फिर 12 सेकंड से पहले वापस चला गया तो इसको गूगल अच्छा नहीं मानता. इसका मतलब आपकी वेबसाइट में दम नहीं है. है ना सर, लॉजिक पकड़ा पंकज जी? बाउंस रेट क्या है एक बार वापस बताएंगे कितने सेकंड क्या है? जब आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आया और 12 सेकंड से पहले वेबसाइट छोड़ के चला गया तो उसको हम कहते हैं बाउंस रेट टेक्निकली. अभी बाउंस रेट क्या चीज है इन डेप्थ में जाते हैं. अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट छोड़ के चला गया खोलते ही तो दैट मीन्स आपकी वेबसाइट में दम नहीं है ना, है ना पंकज जी? अगर कुछ दम होता, कुछ डेटा होता, ठीक सही बात है, तो कस्टमर रुक के देखता ना, तो वो जाता नहीं. सर मैं क्षमा चाहूंगा, किसी की बैकग्राउंड नॉइज आ रही है. जी अभी क्लियर है मेरी वॉइस सबको? चलिए सर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा, तभी गूगल आपको और अच्छा मानेगा. क्योंकि जो चीजें मैंने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, ये चीजें तो हर कोई अपनी वेबसाइट में लिख रहा होगा, है ना उमेश जी? तो हम ज्यादा क्यों, पंकज जी कुछ बोल रहे हैं आप? वही मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा 33 टाइम्स उसमें आ रहा है, कोई 40 बार लिख ले और 40 बार भी एकदम अच्छे से लिखे देखते हैं, 33 अच्छे से लिखा तो क्या वो ऊपर आएगा जी? एक वो क्वेश्चन था. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर सपोज कोई ऐसा वेबसाइट, कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसमें सपोज जैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, जैसे रेलवे की वेबसाइट, किसी ने अपनी वेबसाइट में वो वाले वर्ड यूज कर लिए मॉनिटर बनने के लिए ना आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर चाहिए होते थे तभी तो मॉनिटर बन पाते थे. वरना ऐसा कभी हुआ है कि मैथ्स में 99.9% लेके आया और उसको मैम ने मॉनिटर बना दिया, ऐसे कभी होता था? नहीं ना, नहीं होता. सर हर सब्जेक्ट में आपको अच्छे नंबर चाहिए, आप तभी उस क्लास का मॉनिटर बन पाएंगे. तो गूगल जब बन रहा था ना तो गूगल के इंजीनियर्स ने कहा यार इंडिया में बड़ी अच्छा एक टेक्नोलॉजी है मॉनिटर वाली, उसको अडॉप्ट कर लो, उसको पकड़ लो, है ना? तो इसीलिए एक मॉनिटर का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया कि आप जब तक इन 20 सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तब तक आप टॉप रैंकिंग में पहुंच नहीं सकते. आप चाहे उसमें 150 बार डाल दीजिए, आप चाहे 2000 बार डाल दीजिए, गूगल आपको सिर्फ क्रॉस लगा देगा और कुछ नहीं करेगा. क्योंकि उसको पता है ना आप बेवकूफ बना रहे हैं. फिर उसको मतलब IIM में एंट्री करने के लिए जो सारे काउंट होते हैं, IIM में एंट्री करने के लिए इतने सारे फैक्टर्स की काउंटिंग होती है, इस तरह से यहाँ भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो एक फैक्टर नहीं है. और हर फैक्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे काम होगा. हर फैक्टर को समझना पड़ेगा. अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं. जो बाउंस रेट की हमने बात की थी, अब ध्यान दीजिएगा टेक्नोलॉजी कैसे आती है. उमेश जी ध्यान दीजिएगा, पंकज जी ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजी का कैसे एडवांसमेंट होता है और कैसे टेक्निकल स्टैंडर्ड से हम निकालते हैं कि अपने बिजनेस को अच्छा करना है. अब गूगल को यही तो समझाना है कि हमारी वेबसाइट पे कोई आया तो 12 सेकंड से ऊपर रुका,
है ना, दूसरे प्रोटोकॉल के लिए, है ना पंकज जी? बिल्कुल। तो सर इसके लिए लोग क्या करते हैं, लोग अपनी वेबसाइट के जिस भी पेज पे कस्टमर आ रहा है उसको हम टेक्निकली कहते हैं लैंडिंग पेज। क्या बोलते हैं उमेश जी? लैंडिंग पेज। बहुत बढ़िया। जिस भी पेज पे कस्टमर लैंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। उस पेज पे लोग क्या करते हैं, या तो अपनी दो तीन वीडियोस डाल दी, या तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दिया। जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया ना, तो आप उसको मजबूर करते हैं फॉर्म भरने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए। आप जब तक वो वीडियो देख रहे हैं तब तक आपकी वेबसाइट पे रुका हुआ है, दैट मीन्स 12 सेकंड क्रॉस हो गए। आपका बाउंस रेट कम हो गया। ज्यादा बाउंस रेट होना अच्छा नहीं है। ज्यादा बाउंस रेट होना मतलब ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट छोड़ के जा रहे हैं। कम बाउंस रेट मतलब जितना कम बाउंस रेट होगा उतना ज्यादा गूगल आपको अच्छा मानेगा या कोई भी सर्च इंजन आपको अच्छा मानेगा। याद रखिएगा दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन है। जब हम एसईओ की बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी की, तो हम गूगल, जब मैं वर्ड बोल रहा हूं तो सारे सर्च इंजन की बात कर रहा हूं। सर आदमी का अंत भी राख है, ये तो गूगल है। कहो कि गूगल बंद हो जाएगा तो क्या दुकान बंद करके घर चले जाओगे? तो इसलिए जरूरी है अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना, कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करोगे, चाहे दुनिया में कोई भी सर्च इंजन आ जाए, गूगल आ जाए, गूगल के पिताजी आ जाए, गूगल के पापा जी आ जाए, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रांगनेस, अपनी विल पावर अपने स्ट्रैटेजिकल वे में रखिए, जिसको हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी सर्च इंजन आएगा इसी थ्योरी पे काम करेगा, एटलीस्ट अगले 50 साल। उसके बाद पता नहीं सर, मैं मार्स पे बैठ के आपको सेशन दे रहा हूं या आप धरती के अंदर बैठ के सेशन ले रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगले 50 साल तो यही होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना? तो इसीलिए सर एसईओ पे लग रहा 50 साल बहुत ज्यादा है सर। नहीं, 50 साल तक चलेगा सर, क्योंकि सर अभी तो पनपा है ना सर। आप 20-25 बोलते तो एक बार वो करता 50 साल। देखिए आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, लेकिन जो जिस तरीके से गूगल आपको रीड कर रहा है ना, जब से दुनिया में वेबसाइट बननी स्टार्ट हुई, जब से डे वन से, जब से वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आया था, तब से लेके आज तक टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग, ये तीन चीज तीन ही है, और आगे जब तक वेबसाइट रहेगी तब तक होगा। पता लगे वेबसाइट की दुनिया ही खत्म होगी तो बात अलग है। जैसे आजकल बहुत सारे एप्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेंड्स एंड पेटल्स करके वेबसाइट थी, या फिर आप एग्जाम्पल ले लीजिए सर सबसे बड़ा फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट ने सोचा कि यार वेबसाइट की दुनिया खत्म हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, और उसने मोबाइल एप्लीकेशन पे आया और सर अमेज़न पूरा मार्केट उठा के लूट गया सर उसका। तो ऐसा नहीं है कि वेबसाइट की दुनिया खत्म हो जाएगी, बट टाइम नहीं पता सर कब खत्म हो जाए। तो जब तक वेबसाइट है तब तक तो एसईओ चलेगा, और ऐप में भी टाइटल, क्योंकि जब आप कुछ सर्च करते हैं ना ऐप स्टोर में तो सबसे ऊपर टाइटल ही आता है उसका। तो सर्च करने की थ्योरम वही रहेगी, बस तरीके चेंज होंगे। तो हम यहां पे बेस स्ट्रक्चर पे बिलीव करते हैं कि बेस बनाओ। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि एक सर्च इंजन होता क्या है। क्या है एक सर्च इंजन? जैसे उमेश जी को सेब खाने का बड़ा शौक है। उमेश जी मेरे पास आते हैं और मैं एक बूढ़ा सा सर ठेले वाला हूं सर, लेकिन सेब का जो मेरा गोडाउन है ना बहुत बड़ा है। तो उमेश जी मेरे पास आते हैं और मेरे से बोलते हैं कि मेरे को एक काम करो, हिमाचल वाला सेब दे दो। मैं जाता हूं अपने इस स्टोर के अंदर और सर बहुत सारे सेब रखे, मुझे पता ही नहीं सर हिमाचल वाला सेब है कहाँ। 4-5 घंटे लगा दिए मैंने ढूंढने में कि सेब है कहाँ हिमाचल वाला। इतने में सर उमेश जी कह रहे हैं अरे भैया क्या कर रहे हो, इतने में दूसरे ठेले से जाके सेब खरीद के निकल लिए। मेरा तो कस्टमर गया ना, आई लॉस्ट अ पोटेंशियल कस्टमर, मेरा तो कस्टमर चला गया। तो बहुत जरूरी है अपने आप को अपग्रेड करना। तो मैंने कहा यार मैं पंकज जी को जानता हूं, वो बड़े टेक्निकल स्किल वाले बंदे हैं, बड़ी बड़ी आईएम की बातें करते हैं, तो यार उनको बुलाया मैंने। मैंने कहा पंकज जी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, मेरे लिए एक छोटी सी मशीन बना दो जिससे अगर कोई आदमी मेरे से कुछ पूछे तो वो रोबोट जाए और फटाक से उस सेब को निकाल के ले आए। इन्होंने आओ देखा ना ताओ फटफट अपना दिमाग लगाया, इन्होंने मशीन बना दी मेरे लिए। मैंने उस मशीन को उठा के टेबल पे रख दिया।
और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ हूँ। अब आते हैं उमेश जी और बोलते हैं, प्रभाकर जी मुझे पता तो है कि आप नहीं दे पाओगे, लेकिन यार एक काम करो, आज मुझे पंजाब वाला सेब खिला दो। मैंने फटाक से एक पर्ची उठाई, उस पर लिखा पंजाब का सेब, और मैंने डाला उस मशीन के अंदर। फटाक से रोबोट चलता हुआ गया, उसने सीधा कर देते पंजाब वाले सेब वाले हैंडल पे डाला और चार सेब लेके आ गया। उमेश जी पागल क्या हुआ ये, अचानक से बोटा तेज कैसे हो गई? अब समझिएगा इस पूरे प्लान को, इस पूरे आइडिया को। ये जो पीछे पूरा एप्पल का स्टोर था ना, ये है पूरा इंटरनेट, ये कंप्लीट इंटरनेट। और ये जो छोटी सी मशीन पंकज जी ने मेरे लिए बनाई थी ना, ये है सर्च इंजन। और वो जो मैंने पर्ची पे लिखा था ना पंजाब एप्पल, वो है एल्गोरिथम। हर सर्च इंजन एक एल्गोरिथम पे काम करता है। जो भी कुछ हम इनपुट डालेंगे, जैसे मैंने डाला पंजाब एप्पल, तो उसने पूरे इंटरनेट से पंजाब वाला एप्पल निकाल के मुझे दे दिया। तो सर्च इंजन कुछ इसी तरीके से काम करता है। हर सर्च इंजन की एल्गोरिथम अलग है। हमें इस कोर्स के दौरान वही समझना है कि सर्च इंजन की एल्गोरिथम्स क्या होती है। हमारी पहली क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं, तो पंकज जी और उमेश जी हम स्टार्ट करते हैं कि एक वेबसाइट बनती कैसे है, क्योंकि आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, बट द मोमेंट द टाइम When Google or any of the search engine will say कि भैया ये कोड लेके अपनी वेबसाइट में डाल दो, so that we can read कि क्या चल रहा है आपकी वेबसाइट पे, आप वो कर नहीं पाओगे because you don't know about the codes। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कोड को समझना। तो जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं कि एक कोड क्या है, कैसे एक कोड किया जाता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, उमेश जी ध्यान रखिएगा आपकी पहली क्लास है, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा, जहां पे अटकिएगा मेरे से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये जो इतना बड़ा बड़ा कोड लिखा है ना आपके सामने, बहुत इजी इसको रिजॉल्व करता हूं बहुत चुटकियों में, कैसे काम होता है अभी दिखाता हूं। ये एक छोटी सी नोटपैड है, सबके मशीन में नोटपैड होता है। इस नोटपैड पे HTML, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, रटिएगा नहीं, HTML की क्लास पूरे 2 दिन की क्लासेस हैं, पूरी डीप एनालिसिस के साथ समझाया जाएगा। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं अभी सिर्फ, रटिएगा नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं आ रहा तो यहां से यहां घुसाइए और यहां से निकाल दीजिए। सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं अभी मैं आपको। यहां पे मैंने डाला HTML। HTML लैंग्वेज के अंदर जो चीज खुलती है वो चीज बंद भी होती है, मतलब जो इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा भी। तो HTML पैदा हो गया और HTML को मारने का तरीका कुछ इस तरीके से है। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। कोई भी वेबसाइट, दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप उठा लीजिए, सबसे ऊपर आपको जो कोड दिखेगा वो HTML से ही स्टार्ट होगा, और इस वेबसाइट के सबसे लास्ट में चले जाइए, बिल्कुल बॉटम में चले जाइए, और आपको जो कोड दिखेगा ये देखिए, HTML मर गया। पंकज जी क्लियर है? सर सबसे लास्ट में देखिए नीचे। लास्ट में अभी गया नहीं है, दिख रहा है सर आपको? हाँ, ये रहा। उमेश जी दिख रहा है आपको? क्लियर है? दिख रहा है। मतलब कोड एंड कर दिया, खत्म कर दिया कोड यहाँ से, तो ये वाला लिख दिया। जी बिल्कुल सर, तो ये बहुत सिंपल है, और इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है सर। ये सिर्फ इसीलिए बताया जाता है आप लोगों को, क्योंकि जब आप कभी कोड देखें ना या इस टाइप की, क्योंकि सर कंप्यूटर को देखेंगे तभी तो पकड़ पाएंगे ना, तो जब आप कोड देखेंगे तो कोड समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोगों को दिखाया जाता है कि कोड कैसे लिखना है, कैसे समझना है। ठीक है, अभी ये सारी वेबसाइट जितनी आप देख रहे हैं ना, इन सबको कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी वेबसाइट बहुत इजी तरीके से बन जाती है, बहुत इजी तरीके से बनती है। कैसे करना है, क्या करना है, बहुत ऑप्शंस हैं सर। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास हो रही है, जो रेगुलर क्लास है, उसमें हमारा वर्डप्रेस का ही टॉपिक चल रहा है। तो अगर आप लोग देखना चाहें कि उस क्लास में कैसे हम वर्डप्रेस से काम कर रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं वर्डप्रेस, तो आप उस क्लास में लॉग इन करके सुन सकते हैं उस चीज को। और उमेश जी थोड़ा सा क्लियरिटी आई कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग काम करता है, कैसे गूगल साइट को रीड करता है, कुछ आई क्लियरिटी? आ रहा है सर, समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है ना।
पंकज जी कोई क्वेश्चन मेरे लिए? नहीं सर अभी तक सब क्लियर है। ठीक उमेश जी क्या बोल रहे हैं सर आप? सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, रियली सॉरी सर, थोड़ा सा लाउड होके बोले सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि ये सब कुछ इजी है HTML का, लेकिन इतना सारा देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि हो पाएगा हम लोगों से? सर देखिए ये जितने क्लास में भी, क्योंकि आप तो सर 9 to 10 वाली क्लास ज्वाइन कर रहे थे ना कुछ दिन से जी, ऐसा नहीं है कि उसमें हर बच्चे को सर HTML पता है, और उन लोगों ने भी आपके लेवल से ही स्टार्ट किया है ना, तो कहीं ना कहीं अगर हम उनको सिखाने का दम रखते हैं तो डेफिनेटली सर सीख जाएंगे। सर इस चीज को परेशानी में बिल्कुल मत लीजिएगा, ये चीज नहीं आएगी सर। आप सिर्फ सेशन में आइए, 1 घंटे सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, आराम से हो जाएगा। चलिए सर मैं सेशन को यहीं पे क्लोज करता हूँ और